सो गाइस, पिछले कुछ दिनों से रेडमी 8 की लीक्स आ रहे थे कि रेडमी का जो 8 आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली एक मॉडल लीक हुआ था जिसका नाम था M1908C3IH। इस मॉडल को देखकर हम कह रहे थे कि जो ये स्मार्टफोन होगा वो रेडमी का 8 होगा, बट जो रेडमी का 8 है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिसेंटली जो ये मॉडल है वो 10 पर लिस्टेड हुआ है, जिससे हमें पता चलता था कि जो इस स्मार्टफोन में जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का 439 देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, रेडमी का जो 7 था उसमें आपको 632 देखने के लिए मिलता था स्नैपड्रैगन का। सो गाइस, इतनी कम परफॉर्मेंस वाला आपको प्रोसेसर रेडमी के 8 में देखने के लिए नहीं मिल सकता। उसके बाद लीक आने स्टार्ट होगी, जो रेडमी का 8 है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको रेडमी का 8A देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो इसके लाइव इमेजेस है रेडमी के 8 की, वो भी लीक होकर आ गई है। सो जैसा कि आप इस इमेजेस में देख सकते हो, इसमें आपको रेडमी का 8A देखने के लिए मिलता है। पीछे वाली साइड आपको डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, और ऊपर वाली साइड आपको LED फ्लैश देखने के लिए मिलती है। नीचे वाली साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलता है, और आपको रेडमी की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिलती है। ये जो लुक आपको देखने के लिए मिलती है वो पूरी तरह से चेंज देखने के लिए मिलती है। अगर हम रेडमी के 7A से कंपेयर करें तो आपको काफी डिफरेंट डिजाइन देखने के लिए मिलता है, और इस बार आपको साउंड वाली साइड वाटर ड्रॉप नोच भी देखने के लिए मिलती है, और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने के लिए मिलेगी रेडमी के 8A में। तो गाइस, इसके बारे में बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो रेडमी का जो 8A होगा इसमें आपको 6.217 इंचेस की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो पैनल देखने के लिए मिलेगा वो TFT पैनल देखने के लिए मिलेगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो 90:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ देखने के लिए मिलेगा। आपको तीन वेरियंट देखने के लिए मिलेंगे, एक 2 GB की रैम 16 GB स्टोरेज, 3 GB की रैम 32 GB स्टोरेज, 4 GB की रैम 4 GB स्टोरेज। बट इंडिया में आपको सिर्फ ये दो ही वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा, एक 2 GB की रैम 16 GB स्टोरेज, 3 GB की रैम 32 GB स्टोरेज। उसके बारे में बात करें इसके कैमरास की, तो रेडमी का जो 8A होगा उसमें आपको 12 MP का रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा, और आपको 2 MP का पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करने के लिए कैमरा देखने के लिए मिलेगा। उसके बारे में बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो रेडमी का जो 8A है उसमें आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो रेडमी का जो 7A है उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिली थी, जबकि रेडमी का जो 8A होगा उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो काफी अच्छी बात है, और आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें इसके प्रोसेसर की, तो 7A था उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 439 देखने के लिए मिलता था, जबकि जो रेडमी का 8A होगा उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 439 देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर में आपको कोई भी बड़ा अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलेगा रेडमी के 8A में। बात करें प्राइस की, तो रेडमी का जो 8A होगा उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो 6000 रुपये होगी, और जो इसकी हायर प्राइस होगी वो 7000 तक जाएगी, जिसमें आपको हायर वेरियंट देखने के लिए मिलेगा। बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जो बेस्ड होगा इनकी MIUI 10 पर। उसके बाद बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन होगा वो चाइना में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। उसके जैसा कि आप इस लाइव इमेजेस में देख सकते हो, लाइव इमेजेस में ये जो स्मार्टफोन है वो पूरी तरह से तैयार देखने के लिए मिलता है, और आपको जल्दी इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको ये चाइना में देखने के लिए मिलेगा, आपको सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा चाइना में। अगर ये सितंबर में लॉन्च होता है तो आपको इंडिया में अक्टूबर के मंथ में देखने के लिए मिल जाएगा, अगर ये अक्टूबर के मंथ में चाइना में लॉन्च होता है तो आपको दिसंबर में मंथ में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।